शौहर हूं मैं तुम्हारा, शादी हुई हुई है हमारी, फिर कमरे इतने अलहदा अलहदा क्यों? आप फिलहाल अपने कमरे में जाए। अगर ना जाऊं तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, इस मसले का क्या हल बताऊं। मेरा इलाज कर देना, मेरे दिल से उस शख्स की नफरत निकाल दी। मेरे पास तुम्हारा इलाज भी नहीं है। तुमने तो कहा था कि अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। मैंने कहा था, लेकिन जिंदगी में कुछ लोग इस कदर प्यारे लगते हैं ना कि उनके लिए मुश्किल काम करने पड़ते हैं। समझाया था ना तुम्हें कि दुआ के करीब मत आना, लेकिन लगता तुम्हें प्यार की ज़बान समझ में नहीं। तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे तुम? आप जो कहेंगे मैं वैसे करूंगी। प्लीज प्लीज, आज के बाद मत आना इसके करीब। मीरब से मिलने या मुझे जिंदा देखना, बोलो चुप क्यों? मैं तो नहीं सुन सकता, मैं जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे? अपनी बीवी को साथ लेकर जाओ, मेरे इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से तुम क्या चाहती हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? आपको सजा दिलवाना। तुम मुझे सजा दिलवाओगी? अपने शौहर को? नहीं, अपने मुजरिम को। आखिर तुम्हारे सर से यह भूत कब उतरेगा? दुआ कभी भी नहीं उतरेगा। सब कुछ तो मीरब की वजह से कर रही हूं, है ना? हाँ, और उस रात की वजह से। आखिर उस रात को तुम भूल क्यों नहीं जाते हो? दुआ, हाथ जोड़े थे तुम्हारे सामने, पैर पकड़े थे तुम्हारे, तुमसे इतनी माफी मांगी थी, अपनी गलती का एतराफ किया था। और ऐसा गलत क्या किया था मैंने? बीवी हो तुम मेरी, मेरा हक है। ये फर्क है आप में और मीरब में। बकवास बंद करो, तुम मेरी बीवी हो और ये हकीकत है, ऐसे ही रहेगी जब तक मैं चाहूंगी तब तक। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? अलहदगी इख्तियार कर लूंगी। अलहदगी इख्तियार कर लूंगी और उसके बाद मीरब के पास चली जाओगी, है ना? हाँ, फिर एक बात तुम भी याद रखो दुआ, तुम्हें हासिल करने के लिए पूरी दुनिया को हराया है, तुमसे नहीं हारूंगा। क्या मीरब अभी भी उसी के साथ है? आप जानती नहीं है कि दुआ शादीशुदा है? बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो शादीशुदा है, और ये भी जानती हूँ कि अपने शौहर के साथ वो बिल्कुल खुश नहीं है। क्या आजकल आपने हम दोनों बहन भाइयों के साथ साथ दुआ पे भी नजर रखना शुरू कर दी? रखनी पड़ती है। अब आपकी इन मजबूरियों को तो मैं नहीं समझ सकती। जब मेरी उम्र को पहुंचोगी और माँ बनोगी ना, तब तुम्हें अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। वेल, आपको इतना कंसर्न क्यों हो रहा है? इसलिए कि मेरा बेटा अभी भी उसके साथ इन्वॉल्व है। आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी,
और मैंने ये भी सुन लिया था कि मीरब कह रहा था कि अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, तो उसे एक बात अच्छी तरह से समझा देना कि इस घर में पुरानी कहानी हरगिज नहीं दोहराई जाएगी। चलें अच्छा, अगर आपने सुन ही लिया है तो आपके इतला के लिए अर्ज है कि वो अब इस घर में वो पुरानी कहानी चलाएगा भी नहीं। क्यों? He has decided to leave us. उसने अपने लिए अपार्टमेंट ले लिया, मूव आउट कर रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी सपोर्ट से हो रहा है या कि तुम्हारी गाइडेंस में हो रहा है? अम्मी, मीरा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, जो मैं कहूंगी वो ही करेगा, वो अपने फैसले खुद ले सकता है। उसे बढ़ावा तो तुम ही देती हो ना। मैं आपकी इस बदगुमानी का कुछ कर नहीं सकती और ना अपनी सफाइयां पेश कर सकती। उसे कह देना कि उसे अलग अपार्टमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद मैं जहर खा लूंगी, फिर आराम से आके वो यहां रह सकता है। कहाँ जा रही हैं आप? अरे भी अंदर जा रही। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अरे मैं उसकी माँ हूँ। कोई माँ नहीं, आमिर साहब ने सबका दाखला बंद किया हुआ है। अरे फारिया, ये क्या कह रहा है? आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आमिर भाई ने दुआ को अंदर बंद करके रखा है, जलील कर रहे हैं उसे। तुम आमिर को कॉल करो। फोन नहीं पिक कर रहे। ऐसा करो, दुआ को बाहर ले, इतना तो कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कर सकता। अरे अजीब पागल आदमी हो तुम। मैं आप इन पर क्यों चिल्ला रही? ये तो वही करेंगे ना जो आमिर भाई इनसे करने के लिए कहेंगे। अरे तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं, चलते हैं घर, कोई फायदा नहीं है यहाँ खड़े होने। आइए। शोर की आवाजें कहाँ से आ रही थी? कैसा शोर? मैंने खुद सुना है। कौन था पाए? तो कोई भी नहीं था। झूठ बोल रहा है मुझसे। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? देख लिया आपने खुद अपनी आंखों से कि आमिर भाई क्या कर रहे हैं दुआ के साथ। एक तो पहले उन्होंने बिना बताए अम्मी हमें घर चेंज किया, ऊपर से हमें अंदर भी नहीं जाने दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आमिर ऐसा कर ही नहीं सकता। जरूर कोई बात हुई होगी। अम्मी आपको अभी भी उन पर मान है इतना? अरे उसने तो मुझे अंदर ही नहीं जाने दिया, इतनी सख्ती? अंदर आपको इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि आमिर भाई के ऑर्डर्स थे, उन्होंने मना किया होगा। तुम उसे कॉल मिलाती रहो। अम्मी मैंने रास्ते में भी फोन मिलाया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया, वापस मिला लेती। मुझे तो लग रहा है ये जानबूझ के हमारा फोन नहीं उठा रहे। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम उसे कॉल कर ही नहीं रही। एक काम करें, आप खुद मिलाएं, फिर मिलाएं। ये क्या काम करने का तरीका है? ऐसे काम सिखाया तुम लोगों को? सॉरी। बकवास बंद करो अपनी। सॉरी उठाओ ये फाइल, दगा आ जाओ यहां से, उठाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, कैसी हैं आप? आमिर कहाँ हो तुम? ऑफिस में हूँ। और मैंने कहाँ जाना है? ऑफिस के बाद घर आना। क्यों, खैरियत है ना मम्मी जी? बहुत जरूरी बात करनी है। जी ठीक, मैं आता हूं। इस बुढ़िया को क्या हो गया? अब देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं इस बात का। मुझे यकीन नहीं है, जरूर कोई बात है। आमिर ऐसे नहीं कर सकता। अम्मी इतनी हिमायत ना अच्छी नहीं होती है। अरे उसे यहाँ तो लेने दो,
पूछूं तो सही वो कहता क्या है? जितने वो चलाक है ना कोई बहाना बना ही लेंगे। तुम यहां मोबाइल में लगे हुए हो और वहां अम्मी ना जाने क्या बातें कर रही हैं? क्या मतलब? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उनको आपके सारे हालात के बारे में पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि तुम्हारा और दुआ का मिलना जुलना सब शुरू हो गया। Who cares? पूछोगे नहीं उन्होंने मुझे क्या कहा है तुम्हें कहने के लिए? देखिए आप ही जो भी कहा है आप प्लीज मुझे मत बताइएगा क्योंकि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम कितना डिफरेंट एक्ट कर रहे हो, बहुत बदले बदले लग रहे हो। बदला बदला या फिर मजबूत? मुझे नहीं पता। देखिए आप ही, मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी मेरी जिंदगी के साथ खेले। इतनी मजबूती? जी टूटने के बाद ही हासिल की। तुम्हें पता है मैं तुम्हें रोकना भी चाहूँ ना तो नहीं रोक सकती। आप मुझे क्यों रोकना चाह रही? क्या हो गया? क्योंकि मुझे डर लगता है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। किससे? कौन नुकसान पहुंचाएगा मुझे? आमिर से। वो बहुत डेंजरस है तुम्हें पता है, उसका पास इस चीज की गवाही देता है। आप ही, उसने मुझे जितना नुकसान पहुंचाना था ना वो पहुंचा चुका है। आप मेरी बारी। जी वो दरअसल मैंने ही गार्ड से कहा था कि वो किसी को अंदर आने ना दे। अरे माँ हूँ मैं उसकी, मुझे भी उससे मिलने की इजाजत नहीं? नहीं अम्मी मैं वो आमिर, मुझे तो बहुत बेइज्जती महसूस हुई। अरे भाई इसका मतलब है मैं अपनी बेटी से मिल नहीं सकती, और गार्ड कह रहा था कि दुआ को बाहर आने की भी इजाजत नहीं है। तुमने दुआ पर इतनी सख्ती कर रखी। वैसे आमिर इतनी भी गलती नहीं है दुआ की जो तुमने कैद कर रखा है उसे। समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं। क्या कहना चाहते हो तुम, बोलो। मैं मीरम से खौफजदा हूं, डर लगना शुरू हो गया है मुझे उससे। आमिर खुल के बात करो। कैसे बताऊं आपको कि मीरम दोबारा दुआ से मिलने के लिए घर आया था, और फिर एक दफा उसकी बहन वो गार्ड को ये कहकर अंदर आ गई कि वो तो दुआ की दोस्त है। और तो और एक दिन एक औरत आई जिसने कहा वो दुआ की माँ है और अंदर चली गई। जी क्यों ये सब क्यों हुआ? तो मैंने अपने जराए से पता लगवाया था, मेरा प्लान कर रहा है किसी तरह वो दुआ से इन टच रहेगा, ये उन दोनों की प्लानिंग है। ये सच? मैंने अपनी आंखों से देखा है अम्मी, तो एक दिन मैं मौका वारदात पर पहुंच भी गया था, इसलिए मैंने गार्ड से कहा था कि वो किसी को भी अंदर ना आने दे, चाहे कोई औरत ये भी क्यों ना आकर कहे कि वो दुआ की माँ है। मैं नहीं जानता था कि इसके बाद आप मुझे इतना गलत समझेंगी। आमिर बेटा मैं तुम्हें गलत समझने लगी, बदगुमान हो गई थी ना तुम? नहीं नहीं प्लीज अम्मी जी, आप बड़ी हैं मेरी, मेरी माँ की तरह है। कसम से आप मेरे सर पे जूतियां भी मारेंगी ना तो सर झुकाए खड़ा रहूंगा, एक लफ्ज नहीं बोलूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं अम्मी जी। उस खबीस ने ना दुआ तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। और तू क्यों इतना बेचैन हो रहा है? हाँ बोल। देख मीरा तुम एक सीधे सीधे मसले को खराब कर रहे हो। अगर दुआ आमिर से अलीदगी चाहती है और आमिर उसे तलाक नहीं दे रहा तो वो अपना हक इस्तेमाल करते हुए उससे खुला ले सकती है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ों से तब समझाऊंगा ना जब मैं उसे मिलूंगा ना। तू बार बार उससे मिलना ही क्यों चाहता है? यार क्योंकि इस सूरत हाल में कहीं ना कहीं मेरी बुजदली और कमजोरी रही। वो देर हो चुकी है मीरा, अब अपने दिल को फिर से दुआ का ऑप्शन मत दे। देख हसन देर नहीं है, मैं अभी भी हालात को अपने हक में कर सकता हूँ। अब शायद वो ना माने। उसे मानना पड़ेगा। Thank you.
सुन लिया तुमने क्या कह रहा था आमिर? पता नहीं हमें कौन सच्चा और कौन झूठा। अरे भाई आमिर को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सुना नहीं क्या करती फिर रही है तुम्हारी बहन और वो खबीस लड़का? हमें मैंने सुन लिया है लेकिन यकीन नहीं किया है। सही कहते हैं आमिर, दुआ को तुम्हारी शय है। हाँ दुआ तो छोटी दूध पीती बच्ची है ना। हाँ तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गए? क्या हो गया है आपको? किस तरह की बात कर रही है? बेटी है वो आपकी। तुम्हें इस बात पर दुख हो रहा है? इस बात का दुख नहीं जो वो माँ को मार रही है? अच्छा मैं दुआ से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। तुम तो रहने ही दो, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देती उसे। अच्छा छोड़े आए खाना खाए, उन्होंने खाना नहीं खाया। मुझे नहीं खाना। आओ भाई आओ, आज तो तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम गेट भी सही से नहीं बंद कर सकते, लेकिन आज मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। गुड, मैंने तो साफ वैसे किया जैसा आपने मुझे हुक्म किया था। हाँ दुआ के घर से कोई भी आए मेरे घर में नहीं घुसना चाहिए, बस। जी साहब। हाँ बल्कि उनको इतना दुत्कारना धक्के दे के यहाँ से निकालना कि दोबारा कभी भी वापस आने के बारे में सोचे भी नहीं। ठीक है साहब जैसा आपका हुक्म। हाँ तुम्हारा इनाम तुम्हें मिलता रहेगा, जब कहोगे जैसे कहोगे तुम्हारे घर डिलीवर कर देंगे। अब जाओ। फारिया जी अम्मी, बेटा ये अपने पास संभाल के रख लो। ये क्या है? पेपर से। क्या चीज के? सारी प्रॉपर्टी के, मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। क्यों अम्मी? बेटा मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कौन सी रात आखिरी रात हो। अगर आपने ये सब कुछ मेरे नाम क्यों किया? दुआ का अब इस घर से और हमसे कोई वास्ता नहीं। इस जैसी लड़की को तो मैं अपनी बेटी कैसे समझूं? जो अम्मी ये गलत फहमी भी हो सकती है ये। फारिया तुम अब मेरे साथ खुद को भी धोखा दे रही। मेरी बेटी बदचलन हो गई, पता नहीं मैं टीटू की तरह जिंदा क्यों, मुझे मौत क्यों नहीं आ रही? क्या पता दुआ भी अम्मी वहां रोज मर रही हो। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आमिर की शादी दुआ से नहीं करनी चाहिए थी। उस बेचारे का इस सब में कसूर भी नहीं था, मैं तो खुद उसकी मुजरिम हो गई। जो खुद एक मुजरिम है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मगर अम्मी ये पेपर्स मैं अपने पास नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि ऐसे पेपर्स का बहुत बोझ होता है और ये बोझ मैं उठा नहीं सकती। तो क्या करूंगी इनका? आपको दुआ को आग करना था ना, आपने कर दिया है। मगर आप फिक्र ना करें अम्मी, मेरी जब भी उससे मुलाकात होगी मैं आपका पैगाम उस तक पहुंचा दूंगी। मगर जितना मैं दुआ को जानती हूँ ना, वह सब जायदाद में से एक रुपए लेने की भी रवादार नहीं होगी। एक भी पॉइंट आपने इसमें ऐड नहीं किया हुआ जो मैंने कहा था प्रपोजल में डालना है। आमिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हिसाब लेने आया हूँ तुमसे मैं। किस चीज का हिसाब? तुमने दुआ को कैद करके जलील कर रखे ना उसका। तुम किस हैसियत से मेरे दफ्तर में आके मुझसे हिसाब मांग रहे हो? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। और मैं आज सारे जवाब तुमसे लेकर जाऊंगा, सुना तुमने? तुम्हें मैं अभी जवाब दिलवा देता हूँ। हैदर जरा जल्दी से मेरे कमरे में तो आना।
ये जो तुमने शरीफ आदमी बनने का ड्रामा कर रखा है ना, आज मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने खोल रखूंगा। हैदर, समझते क्या खुद को तुम? गिरबान छोड़ो ना। क्या गिरबान छोड़ू मैं? हाँ, बुलाओ सिक्योरिटी की। ये जो तुम्हारा बॉस है ना, अब तीस साली को अपना हवस का निशाना बनाया, उसे जलील करते हो तुम। पागल आदमी, ले जाओ इसको। यू ब्लडी रेपिस्ट। आप भी जाइए, जाए। पागल हो गया ये। मेरा भाई, आपने ये क्या किया? क्या किया आपने? बिल्कुल ठीक किया मैंने फारिया। आप हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। फारिया, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? या मैं तुम्हें मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम ये कह रही हो मुझे? जो शख्स अधूरी बात जानता है ना, वो इसी तरह से बात करता है। कौन सी अधूरी बात? पहले मैं भी आपकी तरह सोचती थी, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला ना। क्या क्या पता चला? आप जानते हैं कि आमिर भाई के पास क्या चीज है? वो किस बात पर इतना उछलते हैं, इतना इतराते हैं, कितने मुतमईन हैं? क्यों? उनके पास दुआ की एक नाकाबिले इतराज वीडियो है। What? ये बात मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन अब मेरा भाई, अब आप हाथ से गुजर रहे हैं। आप नदानी में तबाहकुन गलतियां कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा। वो घटिया इंसान है वो। यही वजह है कि मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। मजबूर हूँ, हाथ बंधे हुए मेरे, मैं कुछ नहीं बता सकती किसी को। और दुआ को ये सब पता है? नहीं। और यकीन है ये तुम्हारा फैसला होगा कि दुआ आमिर के साथ खुश रह सके, राइट? अरे फारिया, किस इंसान से खुशियां तलाश कर रही हो तुम? वो इंसान जिसने तुम्हारी बहन के साथ इतना बुरा किया है। आज इतनी बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हैं आप, उस दिन हिम्मत दिखा दी होती। चलो, अच्छा लगा कि तुमने आज ये बात तो बोली। मैंने तो बहुत बार इशारों में आपको ये बात कही है, आप आज समझे मेरा भाई। हाँ, मेरी भी गलती है। काश मैं उससे इतना कमजोर ना पड़ता। फारिया, आपकी इस गलती का दुख है मुझे, अगर मेरी बहन के लिए तो ये रोग बन चुकी है। फारिया, क्या तुम बस एक बार फिर मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो? प्लीज। बिल्कुल कर सकती हूँ मैं आप पे ट्रस्ट। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अबे तेरी जिंदगी ना एक लानत बन चुकी है। गाली दे रहा है मुझे? गाली नहीं दे रहा, तू आजकल बहुत बुरे हालात में जी रहा है। क्या करूं, जो भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ उल्टा पड़ जाता है। जो तू अच्छा करने की कोशिश करता है ना, उसे साजिश कहते हैं। प्लानिंग नहीं, मक्कारी से की गई प्लानिंग। देख मेरी बात सुन, दुआ को राजी करने के लिए बस कर दे। पहले ही तेरे गलत मशवरों की वजह से मुझे जलील व ख्वार होना पड़े। यार तू दुआ को छोड़, मीरब की फिक्र कर। इसीलिए तो तेरे पास आया हूं। क्या करना है उसका? तूने उसका हल निकाला जिस तरह पहले निकाला था। यार इतना आसान नहीं है जो तुम कह रहे हो, मुझे भी सबको जवाब देना होता है। राहिल की तरह उसको भी जेल में बंद करवाना। यार मेरी बात समझने की कोशिश कर। राहील के पीछे कोई नहीं था, मीरब के पीछे पूरी उसकी फैमिली है, उसकी सपोर्ट है। इनकार कर रहा मुझे? मुश्किल है समझना मुमकिन। ठीक, इसका मतलब ये है कि अब इस काम को भी खुद ही सर अंजाम दे।
तुम जानती हो आज मेरे दफ्तर कौन आया था? पूछोगी नहीं कौन आया था? मीरक। अच्छी खासी बदतमीजी करके गया वहां पे। लेकिन मैं भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें खुला लेने दूंगा। फिर तो मैं बेवा होना पसंद करूंगी। इतनी जल्दी नहीं मरूंगा मैं। जानती हूँ बुराई इतनी जल्दी नहीं मरती। हेलो, क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है आज मैंने मीरब को देखा। कहाँ? मॉल में। उसने तुम्हें देखा? उसने मुझे नहीं देखा। शुक्र करो बेटा उसने तुम्हें देखा नहीं, वरना किसी का लिहाज किए बिना ना तुम्हें सुनाना शुरू हो जाता। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? क्या वाकई तुम नहीं जानती? एनीवेज, दुआ की कोई खैर खबर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस लास्ट न्यूज ये आई थी कि दुआ की शादी उसके बहनोई से हो गई। व्हाट, रियली? मीरब के शादी के अगले दिन तुम्हारी फ्लाइट थी और तुम्हारे जाने के बाद बस यही न्यूज मिली। तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो तुमने जानकर करना क्या था? तुम्हें तो पता ही है मैं हर काम में अपना फायदा ढूंढ लेती हूँ। तो क्या तुम मीरब को फिर से ट्रैप करोगी? मीरब को नहीं, बल्कि इस बार आमिर। आमिर वो कौन है? दुआ का बहनोई और अब उसका शौहर। तुम उसको जानती हो? जानती नहीं हो, बस दुआ ने एक बार जिक्र किया था। तुम्हारा वैसे भी कुछ पता नहीं है। मगर ये सारी बात मुझे बहुत देर से समझ में आई। कौन सी बात? तुम नहीं समझोगे यार शांजे, जब पूरी बात बतानी नहीं होती ना तो ये आधी बात बता के ना सस्पेंस मत क्रिएट किया करो। Good morning. Good morning. आज कहीं जाना है तुम्हें क्या? क्यों, कोई काम है आपको? हाँ, मुझे किसी के घर जाना है। अच्छा, किस सिलसिले में? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। अब नेक्स्ट मंथ सलमान दुबई से वापस आ जाएगा तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी एक साथ ही हो जाए। आप अभी भी मेरे बारे में सोच रही हैं? क्यों ना सोचूं? माँ हूं मैं तुम्हारी। आप माँ नहीं हैं। आप सिर्फ मुझे इस दुनिया में लेकर आई। एंड अम्मी प्लीज, आप सिर्फ रमशा आपी की शादी के बारे में सोचें, मेरी शादी के बारे में नहीं। तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? करनी है लेकिन अपनी मर्जी से।
आपकी मर्जी से नहीं। एक बार पहले भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने की इजाजत दी गई थी, देख लिया तुमने कितना तल्ख तजर्बा रहा है। वाकई वो तजर्बा बहुत तल्ख था। खैर अब ये बताओ कि शादी कब करोगे? ये क्या हो गया, मैं इस दुनिया का आखिरी आदमी नहीं हूँ जिसकी शादी बहुत जरूरी है। हो सकता है कि मैं शादी ना ही करूँ। ये कैसे आया ख्याल तुम्हारे दिमाग में? क्यों क्या हो गया, क्या अब मेरी इस सोच से आपके खानदान की इज्जत पर कोई हर्फ आ सकता है? बहरहाल मैं उन लोगों से कह चुकी हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। आप उन्हें बता दीजिए आपका बेटा फौत हो गया। पास बंद करो तुम। नहीं, उन्हें कह दीजिए कि उसका कत्ल हो गया और कातिल के तौर पर आप अपना नाम बता दीजिए। लैपटॉप, आगे मेरा लैपटॉप पड़ा है क्या? अरे फेस, गाड़ी गाड़ी घुमाओ, घर वापस लेके चलो जल्दी। आर्या, दुआ कहाँ से कॉल कर रही हो तुम? वो आमिर के लैपटॉप से आज यहीं पर भूल गए, वापस नहीं लेकर गए। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारी आवाज सुन के। तुम और अम्मी आए थे ना 2 दिन पहले? हाँ हम लोग आए थे, मगर गार्ड ने अंदर ही नहीं आने दिया। अम्मी ने आमिर भाई से पूछा तो उन्होंने बड़ी आसानी से बात घुमा दी। अम्मी तुमसे मजीद खफा हो गए हैं। मुझे अब किसी की परवाह नहीं, ना आमिर की और ना ही अम्मी की। आमिर की भले ना करो, अम्मी की तो करो। छोड़ो तुम ये बात। दुआ ऐसे कब तक चलेगा? इस कैद में तुम्हारा दम नहीं घुट रहा? कैद नहीं है और आमिर मुझे कैद कर भी नहीं सकते। ये कैद ही तो है। आमिर की हद देखना चाहती हूँ। तुम जानती ही कहाँ अभी उनकी हद, जान गई तो हैरान रह जाओगी। मैं जब चाहे जहां चाहे आ जा सकती हूँ। तो दुआ आ जाओ ना। आऊंगी। वादा? ना आ सकी तो तुम आ जाना। हाँ ये ठीक है, चलो रखती हूँ, ख्याल रखना।
हाँ ये क्या क्या देख रही हो? मैं सब समझा सकता हूँ तुम्हें। ऐवान, ऐवान, नहीं दुआ, मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ। ये भी प्यार था। ये कैसा प्यार था? तुम मेरी बात का भरोसा? तुमसे ज़्यादा भरोसा किया था। सबसे ज्यादा भरोसा करती थी मैं। सबसे ज्यादा भरोसा करती थी आप पर। कैसे किया? दिल कैसे माना? एक दफा मेरी दिल कैसे माना? मेरी कैसे किया? कैसे दिल माना? कैसे? तो मेरी बात को सुनो दुआ। लगी है